मिस्टर मोहनलाल, आप और आपके साथियों पर यह इल्जाम लगाया गया है कि आपने महामंत्री को कत्ल करने की साजिश की और अपने देश के खिलाफ गद्दारी की। आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है जज साहब। यह तो एक राजनीतिक लड़ाई है जिसे शासन ने राजद्रोह कहकर जुर्म का नाम दे दिया है। सरकारी वकील अपना मुकदमा पेश करें। योर ऑनर, इस केस में सरकारी वकील मैं नहीं हूं। तो फिर कौन है? मैं हूं योर ऑनर। इस केस में सरकार का यानी आवाम का वकील मैं हूं। आप महामंत्री? मैं यहां महामंत्री की हैसियत से नहीं योर ऑनर, एक वकील की हैसियत से आया हूं। यह तो बड़ी नाजायज बात है योर ऑनर। महामंत्री सरकारी वकील बनके इस मुकदमे पे अपनी पोजीशन का दबाव डालना चाह रहे हैं। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता योर ऑनर। महामंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद ही मैंने यह गाउन पहना है। लेकिन योर ऑनर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि महामंत्री को इस केस से दिलचस्पी क्यों है। इसलिए योर ऑनर कि आज मेरे देश को महामंत्री से ज्यादा वकील की जरूरत है। आज फिर उसकी आजादी खतरे में पड़ गई है। मेरे फाजल दोस्त को शायद याद होगा कि पहले भी यह गाउन किसी ने पहना था, लाल किले में आजादी के परवानों को बचाने के लिए, और उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह केस बिल्कुल सीधा साधा है योर ऑनर। आजादी की जंग में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, आजादी मिलने के बाद उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी कुर्बानियों का दाम वसूल करना चाहा। जेल जाना एक किस्म का क्वालिफिकेशन बन गया और पॉलिटिक्स एक व्यापार में बदल गया। इस पॉलिटिकल मंडी में एक व्यापारी उभरा जिसका नाम था मोहनलाल। आजादी की जंग में वो जेल गया था, उसे फांसी की सजा भी हुई थी, और जितनी बड़ी सजा उतना ही बड़ा फायदा। तो मोहनलाल देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, महामंत्री बनने के ख्वाब देखने लगा। योर ऑनर, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तभी से बाहरी ताकतें उसे कमजोर करने की कोशिश करती चली आ रही हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो यह है योर ऑनर कि हमारे देशभक्त अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, विदेशियों के हाथों बिक रहे हैं। एक ऐसा ही देशभक्त है मोहनलाल, जिसने पॉलिटिकल ताकत के लिए अपने आप को बाहरी ताकतों के हाथों बेच दिया है। योर ऑनर, मोहनलाल और उनके साथियों ने एक जासूसी गिरोह बनाया जिसका नाम था स्पाई रिंग, और रिंग लीडर थे मोहनलाल। योर ऑनर, मैं कहता हूं ये लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे लोगों को इबरत हो। क्या बढ़िया भाषण दिया है हमारे महामंत्री ने। लेकिन वकील भी खुद और जज भी खुद, जुर्म भी साबित कर दिया और सजा भी तजवीज कर दी, खेल खत्म। लेकिन मेरे ख्याल में यह कोई मुकदमा तो है ही नहीं, यह तो एक राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि हमारे भूतपूर्व महामंत्री इस अदालत तक खींच लाए हैं ताकि एक ताकतवर विरोधी मोहनलाल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अगर यह बात होती तो इस केस का फैसला अदालत में आने से पहले आवाम के हाथों सड़क पर हो जाता। आपस में कीचड़ उछालने से बेहतर होगा कि मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। I'm sorry, Your Honor. योर ऑनर, सरकार के पहले गवाह मिस्टर अमर कुमार। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों, क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। प्रोसीड। आप मुजरे मोहनलाल और शिवकुमार वगैरह को जानते हैं? जी हाँ। कब से जानते हैं? यूं तो मोहनलाल को मैं बचपन से जानता हूं। यूं तो से क्या मतलब? असल मोहनलाल को तो मैंने यहां आकर जाना, बचपन से माता पिता से इनकी देशभक्ति की कहानियां सुना करता था।
जब मेरी पोस्टिंग यहां हुई तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब तो दिल्ली में सिर्फ दो ही ईमानदार लोग रह गए, एक वैशत अंसारी और एक मोहनलाल जी। और आप ठहरे भी उन्हीं के घर? जी हाँ। तो ये एकदम दिल्ली की पोस्टिंग कैसे हो गई? इंटरकोर के कर्नल जैदी ने मुझसे इंटेलिजेंस का काम लेना चाहा। पर आप तो इन्फेंट्री से हैं। जी हाँ। तो फिर इंटेलिजेंस से आपका क्या लेना देना, जरा साफ कीजिए। इसकी पहली वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि मैं इन्फेंट्री का हूं, मुझ पर यकायक ये शक ना हो कि इंटेलिजेंस की मुहिम पर मुझे लगाया गया है। और दूसरी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जगरतन के बेटे के साथ मेरी दोस्ती थी, इसी बहाने उनके घर पर आना जाना खुला रहता। एक सेकंड योर ऑनर, मैं गवाह को टोकना नहीं चाहता, मगर ये जगरतन का बेटा कहां से आ गया? इसी बेटे की वजह से तो इस किले का पहला दरवाजा तोड़ा गया। योर ऑनर, एयर चीफ मार्शल वासुदेवन के धोखे में अगर सुरेंद्र की मौत ना होती तो जगरतन साहब को यह भी खबर ना होती कि वो सिर्फ बेईमानी नहीं कर रहे थे बल्कि स्पाई रिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए थे। और अगर जगरतन साहब को स्पाई रिंग की खबर ना होती तो उनका कत्ल भी ना होता। योर ऑनर, इन बातों का भी इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरेंद्र, उनकी मौत एक हवाई हादसे में हुई और जगरतन जी एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और बलदेव सिंह वो टैक्सी ड्राइवर जो जगरतन जी की मौत का चश्मदीद गवाह था। चश्मदीद गवाह, जगरतन जी का कत्ल, ये कैसी कहानियां सुनाई जा रही हैं योर ऑनर? ये कहानियां नहीं है वकील साहब, वासुदेवन के बदले सुरेंद्र मारा गया ये भी कहानी है, जगरतन मारे गए ये भी कहानी है, बलदेव सिंह मारे गए ये भी कहानी है, त्रिलोकी प्रसाद मारे गए ये भी कहानी है, प्रेमा मारी गई ये भी कहानी है, अरे दो बार कातिलाना हमला हुआ शबनम पर ये भी कहानी है, और ये सब कहानियां हैं योर ऑनर, तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत, हकीकत यह है कि आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। सबूत है योर ऑनर, और सबूत है ये फाइल, ये जितने भी कत्ल हुए योर ऑनर इस फाइल की वजह से हुए हैं, इसे मोहनलाल के सारे कारनामे मौजूद हैं, स्पाइरिंग के सब प्रोग्राम, सब भेद, इन्होंने क्या क्या किया, हिंदुस्तान को कैसे कैसे बेचा, सब कुछ मौजूद है योर ऑनर। अगर ये कहानियां हैं योर ऑनर तो ये बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं। कहानी क्या है और कितनी दर्दनाक कहानी है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। हकीकत यह है कि मोहनलाल बेगुनाह हैं और इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। अरे इनका तो नाम तक फाइल में नहीं। मोहनलाल के खिलाफ सबूत मैं हूं, मैं सबूत इस बात का कि उन्होंने अपने देश के खिलाफ साजिश की है। मैं सबूत हूं इस बात का कि उन्होंने खुद फाइल मुझसे खरीदी। मैं सबूत इस बात का कि उन्होंने खुद मुझे महामंत्री का कत्ल करने के लिए कहा। योर ऑनर, मैं अपने देश, अपने हिंदुस्तान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा है, पूरा सच कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। सो हेल्प माई कंट्री। योर ऑनर, इनकी बात मैं कैसे मान लूं, क्योंकि जो शख्स शहादत दे रहा है वो खुद सजा याफ्ता है, फौज से निकाला गया है, कोर्ट मार्शल किया हुआ मुजरिम है। यह सजा याफ्ता जरूर है लेकिन मुजरिम नहीं है। और आप कौन है जो इस तरह से बीच में कूद पड़े? योर ऑनर, ये कर्नल मुस्तफा जायदी हैं, सरकार के दूसरे गवाह। सरकारी गवाह हैं तो इन्हें कोर्ट के तौर तरीके सिखाइए, बयान दिलवाना है तो इन्हें कटहरे में लाइए। थैंक यू मिस्टर अमर कुमार, आइए कर्नल साहब, आप भी आए। तो कर्नल मुस्तफा अली जैदी साहब, आपका यह कहना है कि अमर कुमार सजा याफ्ता तो है पर मुजरिम नहीं? जी हां। यह आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी जिसका कोर्ट मार्शल हो चुका हो वो मुजरिम नहीं? क्योंकि मुझे मालूम था कि अमर को फंसाया गया था। यह आपको किसने बताया? जी मुझे अमर ने ही बताया था। अमर ने बताया? जी हां। और महामंत्री के कत्ल की साजिश, इसके मुतालिक आपको कैसे मालूम हुआ? ये भी मुझे अमर ने बताया। अमर ने बताया? तो कर्नल साहब, ये तो आपकी बड़ी ज्यादती होगी कि आप हमसे ये तवक्कु फरमाएं कि एक अमर कुमार जैसे साबित शुदा सजा याफ्ता गद्दार की बात को हम सच मान लें। आप मानिए ना मानिए, मैंने इसे सच माना और नतीजे में महामंत्री की जान बच गई। तो फिर कर्नल साहब, क्या यह भी सच है कि आपका बेटा सैयद मुर्तजा अली जैदी पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में है? योर ऑनर, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मेरा बेटा क्या करता है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो पाकिस्तान का शहरी है, मैं हिंदुस्तान का, और हमारे दोनों के बीच में 14 अगस्त 1947 की दीवार है।
वो वहां अपने वतन का वफादार है, मैं यहां अपने वतन का। जी, मैं समझ गया, मतलब यह कि आपके खानदान में एक दोहरी वफादारी चल रही है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आपके पास इनके मुजरिम होने का कोई सबूत नहीं। ये सब कहानियां हैं, खूबसूरत पर कहानियां। हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इन्फेंट्री का एक कैप्टन अपनी पोस्टिंग पर दिल्ली आता है और मोहनलाल जी की सिफारिश से जगरतन जी के यहां पीए बना दिया जाता है। पीए बनकर उसका सबसे पहला काम यह होता है कि मोहनलाल की इकलौती बेटी पे वो आशिक हो जाए और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगता है। जगरतन जी की मौत के बाद वो एक और ड्रामा खेलता है, एक हंगामा करता है। जगरतन जी एक चाबी छोड़ गए थे, वो उस चाबी को कैश करने की कोशिश करता है और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर महामंत्री के राइवल मोहनलाल को फंसाने की कोशिश करता है और एक फर्जी फाइल बना देता है, यानी कि जिन जिन लोगों ने उसको प्यार दिया था उनको तबाह करने पर तुल जाता है। मोहनलाल देशभक्त है, वो इस देश के भविष्य हैं। तो अमर कुमार गवर्नमेंट के साथ मिलकर और कर्नल जैदी की मदद से एक ऐसा जाल फैलाता है कि जिसमें असलियत की मौत हो जाती है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। क्या बात है? मैं कुछ कहना चाहता हूं ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मिस्टर ठाकुर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका बयान आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल कीजिए, जरूर इस्तेमाल कीजिए। मार डालिए मुझे, फांसी लगा दीजिए, मैं इसी काबिल हूं। योर ऑनर, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ इस फाइल में लिखा बिल्कुल सच है। मैं कसम खाता हूं कि स्पायरिंग का लीडर है ये मोहनलाल, महामंत्री को मार डालने की साजिश की मोहनलाल ने। मैं कसम खाता हूं कि मोहनलाल ने इस देश को विदेशियों के हाथ बेचकर खुद महामंत्री बनना चाहा। मैं कसम खाता हूं कि मोहनलाल के कहने पर मैंने अमर के अकाउंट में 1,00,000 रुपया जमा करवाया। मैं कसम खाता हूं योर ऑनर के मोहनलाल के मजबूर करने पर मैंने अमर के बिस्तर पर लड़की भेजी। मैं कसम खाता हूं कि मोहनलाल के कहने पर और इस जनरल की मदद से मैंने टॉप सीक्रेट फाइल अमर के कमरे में रख दी और इन सब की मदद से अमर का कोर्ट मार्शल करवाया ताकि जगरतन की दी हुई चाबी हम हासिल कर सकें। ये तो हिंदुस्तान की खुशकिस्मती थी योर ऑनर के फाइल अमर के हाथ लग गई और आज हमारे गुनाह साबित करने के लिए यहां मौजूद है, वरना इस मुल्क का, इस देश का क्या होता शायद भगवान ही जानता। योर ऑनर, सरकार ने गवाह भी कितने छटे हुए पेश किए। नंबर एक, एक फौज से निकाला हुआ सजा याफ्ता कैप्टन अमर कुमार। नंबर दो, कर्नल जैदी, जिनकी हर बात गलत और बेबुनियाद, मनगढ़ंत और फर्जी और इसलिए नाकाबिले एतबार। और अब ये ड्रामा बाज खरीदा हुआ गवाह, आपने देखा कितनी जल्दी इस कटहरे से उस कटहरे में आ गया। मगर योर ऑनर, आई एम सॉरी सर, मैंने अपनी बात अभी खत्म नहीं की है। सॉरी योर ऑनर, मेरा सवाल अब तक अपनी जगह पे है कि इन लोगों के मुजरिम होने का है कोई ठोस सबूत? कानून सबूत मांगता है और अभी तक तो कोई ऐसा सबूत मिला नहीं जिससे इनको गुनाहगार ठहराया जाए। मैं पूछता हूं कि है कोई ऐसा आदमी जिसने मोहनलाल को कोई ऐसी हरकत करते हुए देखा हो जिसे आप गद्दारी कहते हैं? योर ऑनर, चूंकि सरकार के पास इन लोगों के मुजरिम होने का कोई सबूत नहीं, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस बेबुनियाद मुकदमे को डिसमिस करे और इन मुअज्जिज हस्तियों को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे। जनाब वकील सफाई, इन्हें बरी करने से पहले मेरी भी एक बात सुन लीजिए। आप कौन हैं? हुजूर, मुझे वैशत अंसारी कहते हैं। मैंने मोहनलाल के साथ अपने वतन की जंग आजादी में हिस्सा लिया था। मोहनलाल के साथ मुझे भी अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा दी थी, इसलिए मोहनलाल के खिलाफ चलने वाले मुकदमे पर मुझे हक साबित है। योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? ये कोई रंगमंच है कि जिसका जी चाहा एंट्री ली और बोलना शुरू कर दिया? ये हजरत कोई भी हूं मगर ना तो सरकार के गवाह है ना सफाई के। हुजूर, मैं अवाम का गवाह हूं और अवाम हर सरकार से बड़ा है, हर वकील सफाई से भी बड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? हुजूर, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि कानून आपकी ताकत भी है और माफ कीजिए मजबूरी भी। मैं तो मोहनलाल से यह पूछना चाहता हूं, क्या वो गीता कुरान और खाके वतन पर हाथ रख के कह सकता है कि ये वही मोहनलाल है जिसे 1942 की जंग आजादी में फांसी की सजा हुई थी?
क्या तुम जमीर पर हाथ रखकर कह सकते हो कि तुम बेगुनाह हो? माफ कीजिएगा, आप मुल्जिम से यह सवाल नहीं पूछ सकते। वकील साहब, मैं मुल्जिम से नहीं उसके जमीर से पूछ रहा हूं। जज साहब, इस अदालत में झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की कोशिश में इंसाफ का सफर लंबा होता जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह मुकदमा कायमत तक चलता ही रहेगा। लेकिन जज साहब, कभी कभी सजा इंसाफ का इंतजार नहीं करती और आज का दिन एक ऐसा ही दिन है, इसलिए मैं वहशत अंसारी अपने दोस्त मोहनलाल को अवाम की तरफ से सजाए मौत देता हूं।